हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के उस पार्ट से जिसकी कहानी अभी हमने पिछली ही वीडियो में सुनी है। और उस कहानी का नाम है स्वतंत्रता की ओर। ये कहानी है एक छोटे बच्चे धनी और महात्मा बापू की, महात्मा गांधी जी की। तो बापू जो है वह एक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं जो कि शुरू हो रही है गुजरात से लेकर, गुजरात में उनके आश्रम साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। अब वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह क्या कर रहे हैं, वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। तो वह इसलिए जा रहे हैं नमक बनाने क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमसे नमक का भी कर लेती है। तो अब धनी भी जाना चाहता है, तो इसी पर आधारित ये पूरी कहानी है। तो यह कहानी अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ी है या सुनी है तो जल्दी से पिछली वाली वीडियो में जाइए और यह कहानी सुन लीजिए। तो आज हम करने वाले हैं इसी कहानी पर आधारित एक क्रियाकलाप जो कि है पृष्ठ संख्या 74 पर। जी हाँ, तो खोलिए जल्दी से पृष्ठ संख्या 74 यानी कि 74। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। जी हाँ, पूरी कहानी में बहुत सारी बातें बापू के बारे में लिखी गई हैं। तो हमें यह पता लगाना है कि उनमें से कोई तीन बातें हमें पता लगानी है और यहाँ लिखनी है। इन्होंने भी लिखा हुआ है, उनमें से कोई तीन बातें यहाँ लिखो। तो जो जो बातें इस कहानी को पढ़कर हमें बापू के बारे में पता चली है वह हमें लिखनी है इन तीन रिक्त स्थानों पर। अब वह बातें कुछ भी हो सकती हैं और कोई भी हो सकती हैं। मैंने अपनी तीन बातें चुनी हैं, आप कोई और तीन बातें भी लिख सकते हैं, लेकिन वह कहानी से होनी चाहिए। तो चलिए, मैंने जो पहली बात लिखी है उसे पढ़ते हैं जो कि है यह। गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते थे और उसके बाद चरखा कातते थे। जी हाँ, ये हमने पढ़ा था कि धनी बोलता है कि उसे मालूम है कि गांधी जी से कैसे बात करनी है। उसे मालूम था कि वे रोज सुबह सुबह आश्रम में टहलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, चरखा कातते हैं। तो यह बात हमें पता चली थी कहानी से। दूसरी बात जो हमें पता चली थी कहानी से वह यह थी कि वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णय का विरोध करते थे। जी हाँ, और अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। तभी तो वह दांडी यात्रा, दांडी मार्च करने उन्होंने निर्णय लिया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमसे हमारे ही बनाए गए नमक पर कर लेती है। और यह बात उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बोली कि यह करना बंद करे, लेकिन उन्होंने वह मांग खारिज कर दी, नहीं मानी। इसी वजह से वह अपने देशवासियों को उनका हक दिलाने के लिए ही दांडी मार्च कर रहे थे। और सिर्फ यह नहीं, उन्होंने बहुत सारी और चीजें भी करी हैं देशवासियों को अपना हक दिलवाने के लिए। तो हमें यह बात पता चलती है कि वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णय का विरोध करते थे और अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। जो आखिरी बात मैंने लिखी है जो इस कहानी से हमें पता चली है वह है यह। वे धनी जैसे छोटे बच्चों की बात भी गौर से सुनते थे और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी बात समझाते थे। जी हाँ, हमने कई बार देखा है कि बड़े लोग छोटे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अगर उन्हें कुछ गलत लगता है या उनका मन नहीं होता सुनने का तो वह झड़क देते हैं या गुस्सा कर देते हैं। लेकिन गांधी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वह हर किसी की बात को बड़े ही गौर से और ध्यानपूर्वक सुनते थे, हर किसी की बात को महत्व देते थे। तो जब धनी ने उनसे बात करी, जबकि वह सिर्फ 9 साल का बच्चा था, उन्होंने बड़े ही प्यार से उसकी बात सुनी और समझाई भी, अपनी बात भी बहुत अच्छे से समझाई धनी को। तो ये तीन बातें मुझे पता चली इस कहानी स्वतंत्रता की ओर से गांधी जी के बारे में। अब आप मुझे बताइए कि आपको और कौन सी बातें पता चली। वे बातें इन बातों से अलग होनी चाहिए, आप बताएंगे ना मुझे, मैं इंतजार करूंगी। तो चलिए, मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।